आज हम लोग 1857 के विद्रोह का अध्ययन करेंगे। और 1857 के विद्रोह के अध्ययन के अंतर्गत सबसे पहले हम इसके कारण को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग BPSC जो प्रश्न पूछती है उसके अंतर्गत वह एक आसान क्वेश्चन पूछती है कि 1857 के विद्रोह के कारण क्या है। इसलिए जब हम 1857 के विद्रोह का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले जब कारण पर प्रश्न आता है तो हमारे सामने ये सवाल होती है कि हम इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, राइट। और इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर का, कि इसके अंतर्गत स्ट्रक्चर में हम क्या दें, और फिर हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि क्वेश्चन जब आएगा तो उसका कंक्लूजन कैसे लिखें। तो इसके अंतर्गत जब भी आप तैयारी करने जाते हैं, और आम तौर पर सभी छात्रों की यह समस्या है कि कोई क्वेश्चन आती है तो उसका हम भूमिका कैसे लिखें, उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, तो भूमिका और इंट्रोडक्शन लिखने के क्रम में खासकर कारण से संबंधित जो प्रश्न है, विशेषकर 1857 के विद्रोह, तो आप इसके जो इंट्रोडक्शन है, जो भूमिका है, उसको आप लिख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के कारणों की विवेचना कार्य कारण संबंधों के परिप्रेक्ष्य में किया जा सकता है। इसके मुख्य कारण को हम परिवर्तन एवं निरंतरता के कारकों के संदर्भ में देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत आधारभूत कारण है एवं तत्कालिक कारण भी है। इसलिए जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह के कारण की विवेचना करें, तो सबसे पहले हम इसको कार्य कारण परिप्रेक्ष्य में हम इसका अध्ययन करेंगे, और कार्य कारण जो परिप्रेक्ष्य है यह इंट्रोडक्शन में आनी चाहिए। साथ ही साथ आप परिवर्तन एवं निरंतरता की भी बात कर सकते हैं, कंटिन्यूटी एंड चेंजिंग की बात कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास में कारण की जो व्याख्या की जाती है वह कंटिन्यूटी एंड चेंजिंग के परिप्रेक्ष्य में की जाती है, और इसलिए आप इस तरह से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि 1857 के विद्रोह का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो स्ट्रक्चर के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल जो कॉजेज है, बेसिक कॉजेज जो है, आधारभूत कॉजेज है, उसकी बात करते हैं, और इस आधारभूत कारण के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे कि 1857 का जो विद्रोह है इसका मुख्य कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीति है, ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीति, राइट। क्योंकि 1857 के विद्रोह की जो पृष्ठभूमि की शुरुआत होती है, जो इसके बैकग्राउंड की शुरुआत होती है, वह ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी के कारण होती है, क्योंकि अंग्रेजों ने जब भारत में अपनी सत्ता की स्थापना की तो अंग्रेजों ने जिस साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया वह वास्तव में उपनिवेशवादी नीति था, कॉलोनियल पॉलिसी थी, और उस कॉलोनियल पॉलिसी का जो मुख्य उद्देश्य था वह था कि भारत के संसाधनों का ब्रिटेन के हित में उपयोग किया जाए। और जब उन्होंने अपनी कॉलोनियल पॉलिसी को शुरू किया तो इस कॉलोनियल पॉलिसी के अंतर्गत विशेषकर 1857 के पूर्व दो महत्वपूर्ण चरण उनके शामिल होते हैं, जिसको एक हम बात करते हैं व्यापारिक एकाधिकार का चरण, और दूसरा हम बात करते हैं एक तरफा मुक्त व्यापार का चरण, एक तरफा मुक्त व्यापार का चरण, ट्रेड मोनोपोली एंड वन साइडेड फ्री ट्रेड पॉलिसी,
तो जब वो ट्रेड मोनोपोली लागू करते हैं तो इस ट्रेड मोनोपोली लागू करने के क्रम में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ मूलभूत परिवर्तन किया और ख़ासकर इस संदर्भ में जो उन्होंने नवीन भू राजस्व प्रबंधन व्यवस्था को लागू किया, उस नवीन भू राजस्व प्रबंधन व्यवस्था का भारत के कृषक, जनजातीय समाज के लोग और जमींदारों पर भी प्रतिकूल असर पड़ा और एकतरफा मुक्त व्यापार की नीति ने भारत के हस्तशिल्प उद्योग के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये दो जो इम्पॉर्टेंट उनकी पॉलिसी है, जिसमें एक तो उन्होंने भारत में जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि भूमि का मालिक जमींदार होगा और किसान अब रेंटर की स्थिति में आ गया। तो सर्वप्रथम तो जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण किया गया और इस अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के कारण कृषक एवं कृषि दोनों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि था, जिस पर इससे व्यवस्था ने जो कुटाराघात किया, इसके कारण आम तौर पर आम जनता में अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष का सृजन हुआ। दूसरा कि 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में हम देखते हैं कि जमींदारों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जमींदारों के हित में काम करती है? अब इसके अंतर्गत एक कानून था, सूर्यास्त कानून, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि निर्धारित तिथि को अगर जमींदार सरकार को भू राजस्व नहीं चुकाते हैं तो उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती है। और यह देखने को मिलता है कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जमींदारी की नीलामी की गई और जिसके कारण बेदखल जमींदारों में असंतोष का सृजन हुआ। और यह असंतोष का जो सृजन हुआ, इसके कारण कृषक एवं जमींदार के बीच एक गठबंधन होता है और यह गठबंधन जो है 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और इसलिए ये दोनों गठबंधन, दोनों के बीच का जो गठबंधन है, इस गठबंधन का मूल कारण अंग्रेजी सरकार की नवीन भू राजस्व नीति है। दूसरा कि नवीन भू राजस्व नीति के अंतर्गत विशेषकर बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में जब भी जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया, तो जमींदारों ने जनजातीय लोगों के जो परंपरागत अधिकार थे, उनके परंपरागत अधिकार थे कि जंगल और जमीन पर उनका प्राकृतिक अधिकार है, उसका हनन किया और इसके कारण बड़े पैमाने पर जनजातीय विद्रोह भी होता है। तो आम तौर पर जनजातियों में इसके कारण असंतोष थी। और इस प्रकार से दो महत्वपूर्ण जो वर्ग हैं भारतीय समाज के, कृषक और जनजाति, ये लोग डायरेक्टली 1857 के विद्रोह के रीढ़ हैं। और दूसरा जो जमींदार जो इसको नेतृत्व प्रदान करता है, उसी भी नवीन भू राजस्व व्यवस्था से हानि पहुंची और जिसके कारण उसने इसका नेतृत्व प्रदान किया। और इस तरह से ग्रामीण जो भारत है, विशेषकर जो अस्थाई बंदोबस्त वाला इलाका है, उसमें यह विद्रोह बहुत ही प्रभावशाली होता है। दूसरा महत्वपूर्ण जो कारण यहाँ पर हम रेखांकित करने का प्रयास करेंगे कि जो एकतरफा मुक्त व्यापार की नीति ब्रिटिश सरकार ने भारत में 1813 से शुरू किया, जाके 1833 में उसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया, तो इसका जो भारत के परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग है, इस पर इसका बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और लगभग ये विनिष्ट हो गया, क्योंकि इसके कारण भारत में भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। और जब दस्तकार जो शिल्पकार हैं उनको सही क्षेत्रों में काम नहीं मिलता है तो गांव की ओर लौटते हैं, अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण होता है, कृषि पर जनसंख्या का बोझ बढ़ता है, बंधुआ मजदूरी प्रथा का डेवलपमेंट होता है, ग्रामीण ऋणग्रस्तता का डेवलपमेंट होता है। और इस संपूर्ण प्रक्रिया के कारण जो ग्रामीण भारत है, विशेषकर अस्थाई बंदोबस्त वाला जो इलाका है, इस इलाका में लोगों के पास गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और अकाल इत्यादि की आवृत्ति बढ़ जाती है, जो डायरेक्टली ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीति का प्रतिफल था और इसी ने 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। इसलिए 1857 के विद्रोह में इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, जब हम बात करें
वैश्विक कारण के अंतर्गत, तो दूसरा के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जो सामाजिक कारण है, सोशल कॉजेस के अंतर्गत दो इम्पॉर्टेंट चीज़ को आप रेखांकित कर सकते हैं। एक, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो सामाजिक सुधार कार्य किए गए, ये सामाजिक सुधार कार्य एक तरह से प्रगतिशील कदम था, ये प्रोग्रेसिव डिसीजन था, प्रोग्रेसिव वर्क था, लेकिन इसने भी 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की, क्योंकि भारत एक परंपरागत समाज था और इस परंपरागत समाज में जब ब्रिटिश सरकार ने कन्या हत्या पर प्रतिबंध लगाया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, विधवा पुनर्विवाह को अनुमति प्रदान की, तो इससे भारत के जो रूढ़िवादी समाज थे, खास करके जो उच्च वर्ग था, उसे इस बात का एहसास हुआ कि ब्रिटिश सरकार हमारी सामाजिक व्यवस्था को भी खंडित करना चाह रही है, और इसके कारण उनके मन में असंतोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व प्रदान किया। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है सामाजिक कारण के अंतर्गत, जैसा कि हमने कहा कि आर्थिक के शोषण के कारण भारत में गरीबी, भूखमरी, अकाल, बेरोजगारी की मात्रा में वृद्धि हो रही थी और निरंतर भारत में गरीबी बढ़ रही थी, क्योंकि धन का बहिर्गमन हो रहा था। इसलिए जब गरीबी बढ़ रही थी, भूखमरी बढ़ रही थी और अकाल में लाखों की संख्या में लोग मानव निर्मित अकाल में मारे जा रहे थे, तो लोगों के मन में ये बात आई कि ये सारा जो प्रॉब्लम है ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रिएट किया गया है और जब तक यह सरकार रहेगी तब तक हमें इस समस्या का सामना करना पड़ेगा, तो उन्होंने इस समस्या के निराकरण के लिए विद्रोह किया। तीसरा इम्पॉर्टेंट कारण है इसके अंतर्गत, जिसमें आप राजनीतिक कारण को आप लिख सकते हैं, और राजनीतिक कारण के अंतर्गत सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति। ब्रिटिश सरकार ने जो साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया, जिसके अंतर्गत उनका उद्देश्य था कि भारत के अधिकाधिक क्षेत्रों का ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत शामिल किया जाए, ब्रिटिश उपनिवेश के अंतर्गत लाया जाए, और इसका जो चरमोत्कर्ष है, ये चरमोत्कर्ष दिखाई देता है लॉर्ड डलहौजी के काल में, क्योंकि डलहौजी ने एक तो व्यपगत का सिद्धांत, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, इसके माध्यम से कई देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में इस आधार पर मिला लिया कि उनके पास उनका प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है। दूसरा, इससे लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध का कुशासन के नाम पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, और अवध के बड़े पैमाने पर सैनिक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार में कार्य कर रहे थे, जिनका अवध के जो नवाब थे उनके साथ भावनात्मक संबंध था, और इस घटना ने उनके बीच असंतोष का सृजन किया, अवध की जनता के बीच भी असंतोष का सृजन किया। तीसरा, लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब के पेंशन को बंद कर दिया। चौथा, लॉर्ड डलहौजी ने प्रयास किया कि पंजाब को ताकत के बल पर, बर्मा को ताकत के बल पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाए, और लॉर्ड डलहौजी के इन कार्यों का भारतीय समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसने पहले से विद्यमान जो असंतोष था उसको और बढ़ाने का काम किया। चौथा इम्पॉर्टेंट जो हम बात करेंगे कारक के रूप में, वो कारक है सैनिक कारक, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हमने देखा कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं शिल्प उद्योग पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, घातक प्रभाव पड़ा, और जिसके कारण भारतीयों के समक्ष रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई। इस स्थिति में भारतीयों, खास करके किसानों ने वैकल्पिक रोजगार के लिए सैन्य सेवा को ज्वाइन किया, सेना में भर्ती हो गए वैकल्पिक रोजगार के लिए, ताकि वैकल्पिक आय का सृजन हो सके। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों के साथ, जो भारतीय सैनिक हैं, इसके साथ नस्लवादी व्यवहार करती थी,
जिसके साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था, उनका वेतन कम था, काम की परिस्थितियाँ बहुत ही विकट थी, प्रमोशन की संभावना बहुत कम थी और अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेज अधिकारियों द्वारा उनके साथ आए दिन अमानवीय व्यवहार किए जाते थे, जिसके कारण सैनिकों में भी असंतोष का सृजन हुआ, क्योंकि वे सैनिक कृषक के भेष में ही सैनिक थे और ऑलरेडी वो एक कृषक के रूप में वो ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के शोषण का परिणाम भुगत रहे थे। उन्होंने एक वैकल्पिक रोजगार के लिए सैन्य सेवा ज्वाइन की थी, लेकिन वहाँ भी जब उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया, वहाँ भी उनके साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार किया गया, तो उनके मन में इसके प्रति असंतोष का सृजन हुआ और इसके कारण सैनिक भी असंतोष से ग्रसित हुए। पांचवा जो इम्पॉर्टेंट कारण इसके अंतर्गत आप रेखांकित कर सकते हैं वो है धार्मिक कारण, जिसके अंतर्गत अंग्रेज भारत का ईसाईकरण करना चाहते थे और इस ईसाईकरण करने के लिए अंग्रेजों ने ईसाई मिशनरियों को खुली छूट दे रखी थी और ये ईसाई मिशनरियाँ हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों धर्म की कटु आलोचना करते थे और साथ ही साथ अंग्रेज सरकार भी उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करती थी, जिसके कारण भारतीयों के मन में यह असंतोष उत्पन्न हुआ कि कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार हमारी धर्म को भी समाप्त करके हमें ईसाई बनाना चाहती है और इसलिए जो असंतोष पहले से विद्यमान था वह असंतोष और भी बढ़ जाता है और यह 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि का निर्माण करता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कारक, ये जितने भी असंतोष हैं इन असंतोष ने एक निरंतरता के कारक के रूप में भी काम किया। आप यहाँ लिख सकते हैं कि जैसे 1855 का जो संथाल विद्रोह है, ये ऑलरेडी ब्रिटिश आर्थिक सामाजिक नीतियों का प्रतिफल था और जिसको हम 1857 के विद्रोह की निरंतरता के रूप में रेखांकित कर सकते हैं। और इन आधारभूत कारणों को लिखने के बाद आप स्ट्रक्चर के अंतर्गत तत्कालिक कारण लिखेंगे, जिस तत्कालिक कारण के अंतर्गत, इस तत्कालिक कारण के अंतर्गत आप चर्बी वाले कारतूस की घटना को लिखेंगे कि जब 1856 में ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय लिया कि भारतीय सेना में नए एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का उपयोग किया जाएगा और जिसके संदर्भ में यह बातें आई कि इसमें लगे ग्रीस गाय के चर्बी और सूअर के चर्बी से बनते थे, जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों ही प्रकार के सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हुआ और पहले से जो फंडामेंटल कारण थे, जो आर्थिक नीति थी, सामाजिक नीति थी, राजनीतिक नीति थी, सैनिकों के साथ जो दुर्व्यवहार था, जो धार्मिक नीति थी, उसके कारण समाज में असंतोष विद्यमान था। जब सरकार ने चर्बी वाले कारतूस को नए इन्फील्ड राइफल में उपयोग करने का निर्णय लिया तो सैनिकों में असंतोष हुआ और 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और ये 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच जाते हैं और इस तरह से ये 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। तो हम लोगों ने ये जो चर्चा किया कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण हैं, तो आप इन कारणों को आपस में संयोजित कर लिख सकते हैं और लास्टली इसके अंतर्गत जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, राइट, तो आप निष्कर्ष लिख सकते हैं कि 1857 का विद्रोह इस प्रकार आधारभूत कारकों एवं तत्कालिक कारकों की आपसी क्रिया प्रतिक्रिया का प्रतिफल है, लेकिन इसमें आधारभूत कारक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस तरह से आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। अभी हम लोग ने 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की, अब हम बात करेंगे कि 1857 का जो विद्रोह है, इस विद्रोह का बिहार एक प्रभावी केंद्र के रूप में क्यों विकसित हुआ, यह विद्रोह बिहार में इतना प्रभावशाली क्यों रही, हम इसकी चर्चा करेंगे। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, जो प्रभावी केंद्र है यानी बिहार में यह विद्रोह इतना प्रभावशाली क्यों रहा, और दूसरा कि बिहार के विभिन्न सामाजिक वर्गों से इसको इतना ज़्यादा व्यापक सामाजिक समर्थन क्यों मिला, राइट, क्योंकि जब हम बिहार
में 1857 के विद्रोह का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि तत्कालिक समय में बिहार 1857 के विद्रोह का एक बहुत ही प्रभावशाली केंद्र था। इसलिए जब बीपीएससी मेंस की तैयारी करते हैं इतिहास एवं संस्कृति के अंतर्गत, तो एक प्रश्न यह बनता है कि बिहार 1857 के विद्रोह का इतना प्रभावशाली केंद्र के रूप में क्यों विकसित हुआ। तो जब भी बिहार के प्रभावशाली केंद्र के रूप में विकसित होने का प्रश्न है और इसके प्रश्न की विवेचना करेंगे तो हम देखते हैं कि जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा उस इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम इस बात की चर्चा कर सकते हैं कि 1857 के विद्रोह में बिहार एक प्रभावशाली केंद्र के रूप में विकसित हुआ, क्योंकि 1857 के विद्रोह के जो आधारभूत कारण हैं वो आधारभूत कारण बड़े ही प्रभावशाली ढंग से बिहार के समाज में दिखाई देते हैं। और बिहार के समाज में आधारभूत कारण क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि बिहार को अगर हम देखें तो सबसे पहला प्रश्न है कि बिहार अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत आता था, यानी बिहार का जो क्षेत्र था, जैसा कि हमने आधारभूत कारण के अंतर्गत चर्चा किया कि 1857 का जो विद्रोह है इसका एक प्रमुख आधारभूत कारण था ब्रिटिश आर्थिक औपनिवेशिक नीति। और उस ब्रिटिश आर्थिक औपनिवेशिक नीति के अंतर्गत जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण था नवीन भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बिहार अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत आता था। चूँकि बिहार अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत आता था इसलिए अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का बिहार पर घातक प्रभाव पड़ा। जैसे आप देखेंगे कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य के रूप में था, उसमें भी था और आज भी है, और बिहार की संपूर्ण अर्थव्यवस्था कृषि पर केंद्रित थी। जब सरकार ने अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया और इस अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत सरकार ने घोषित किया कि भूमि का मालिक जमींदार है और किसान रेंटर है, तो इस परिस्थिति ने बिहार में कृषि और बिहार के कृषक दोनों ही पर इसका घातक प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ बिहार के जो जनजातीय समाज के लोग हैं, इन जनजातीय समाज के लोगों पर भी इसका बहुत ही खतरनाक प्रभाव हुआ, और जनजातीय समाज के लोगों ने इस अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के विरुद्ध में अपना विद्रोह कर, जैसा कि आप हो विद्रोह में भी देख सकते हैं और संथाल विद्रोह में भी देख सकते हैं कि हो और संथाल दोनों विद्रोह बिहार में हुआ, बिहार के केंद्र में हुआ, और इसका मूल कारण अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था से उत्पन्न परिस्थितियाँ थी, क्योंकि इसने जनजातीय लोगों के जंगल एवं जमीन पर के परंपरागत अधिकार को छीन लिया था, और यहीं से जनजातीय लोगों का शोषण प्रारंभ होता है, और इसके प्रतिकार के लिए जनजातीय लोगों ने हो विद्रोह और संथाल विद्रोह किया, जिसकी निरंतरता बिहार में 1857 के विद्रोह में देखने को मिलती है। इसलिए 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि के निर्माण में ये विद्रोह भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, और दूसरी तरफ बिहार के कृषक जो कि 1857 के विद्रोह में बिहार में विशेषकर विद्रोह के रीढ़ हैं, इनमें जो असंतोष उत्पन्न हुआ उस असंतोष की अभिव्यक्ति 1857 के विद्रोह में दिखाई देती है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट एंगल है कि बिहार में जो जमींदारी व्यवस्था थी और उसका जब हम अध्ययन करते हैं 1793 से लेकर 1857 के बीच में, तो हम देखते हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर जमींदारी की नीलामी की गई, यानी जमींदार सरकार इतनी उच्च दर पर राजस्व लेती थी जमींदारों से कि जमींदार किसानों से उतना राजस्व नहीं ले पाते थे, और अल्टीमेटली उनको अपनी जमींदारी को नीलाम करनी पड़ती थी, सरकार उनकी जमींदारी ले लेती थी, नीलाम कर देती थी, और इसके कारण बिहार के जो जमींदार हैं उसमें भी असंतोष का सृजन होगा। उसमें से कुंवर सिंह भी एक प्रमुख जमींदार थे।
इसलिए जब 1857 के विद्रोह को अगर बिहार के संदर्भ में हम देखने का प्रयास करें कि बिहार इतना प्रभावशाली केंद्र के रूप में क्यों है, तो इसका कारण अस्थाई बंदोबस्त भू व्यवस्था में है। इसके अलावा जो दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण है कि बिहार पर एकतरफा मुक्त व्यापार का नीति जो ब्रिटिश सरकार का है, एकतरफा मुक्त व्यापार की नीति, इसका बिहार के जो हस्तशिल्प उद्योग है इस पर भी बहुत ही घातक प्रभाव पड़ा। और ये घातक प्रभाव पड़ा इस कारण से बिहार के जो दस्तकार हैं उनमें असंतोष का सृजन हुआ, अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण होता है। और बिहार के दस्तकार जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो कृषि पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता है और बेरोजगारी बढ़ती है, भुखमरी बढ़ती है, अकाल की आवृत्ति बढ़ती है। ये सब मिलकर के बिहार को 1793 के बाद ही एक संकटग्रस्त क्षेत्र के रूप में विकसित करते हैं, जिसके कारण बिहार के लोगों में अंग्रेजों के प्रति, उनकी नीतियों के प्रति असंतोष उत्पन्न होता है। और यह एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण यह विद्रोह बिहार में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिहार में कि जो ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति थी, उस नीति के कारण जहाँ बेरोजगारी बढ़ी, गरीबी बढ़ी, तो इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए बिहार के लोगों ने सैन्य सेवा में नौकरी प्रारंभ किया। और जैसा आप देखेंगे बिहार में जो 1857 का विद्रोह का जो मूल केंद्र है, वो मूल केंद्र भोजपुरी बेल्ट है, भोजपुरी भाषी बेल्ट जो है वो मूल केंद्र है। और आज भी आप देखेंगे कि भोजपुरी भाषी जो केंद्र है, जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लोग बड़े पैमाने पर सेना में जाते हैं। उस समय भी ऐसा हुआ था कि ये जो बिहार के भोजपुरी भाषी जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लोग भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और पटना के इलाके भी जो उससे सटे हुए हैं, इस क्षेत्र के लोग बड़े पैमाने पर सेना में थे और सेना में ये वैकल्पिक रोजगार के लिए गए थे। लेकिन जब इन्होंने सैन्य सेवा ज्वाइन किया तो यहाँ पर जो सैनिक थे इसके साथ ब्रिटिश सरकार नस्लवादी भेदभाव करती थी। इनको वेतन कम मिलता था, काम की परिस्थितियाँ खराब थी और इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। और साथ ही साथ इनको प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी, बहुत कम चांस था कि ये प्रमोट करके और उच्च अधिकारी बन जाए, क्योंकि उच्च अधिकारी का पद अंग्रेजों के लिए रिजर्व था। और इस कारण से जो किसान एक वैकल्पिक रोजगार के रूप में सेना को ज्वाइन करते हैं, वहाँ सेना में जब उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता है तो उनमें असंतोष का सृजन होता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो बिहार के संदर्भ में आप देखेंगे कि बिहार एक परंपरागत समाज था, आज भी बिहार एक परंपरागत समाज है। तो एक परंपरागत समाज में जब सरकार कोई प्रगतिशील काम करती है, जैसा कि ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को प्रमोशन दिया, सामाजिक सुधार आंदोलन को, जिसके अंतर्गत उसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, कन्या हत्या पर प्रतिबंध लगाया, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, विधवा पुनर्विवाह को अनुमति प्रदान किया, तो एक प्रगतिशील समाज में इसके प्रति प्रतिक्रिया हो। और ये जो प्रतिक्रिया हो रही है, इस प्रतिक्रिया ने जो ब्रिटिश सरकार है उसके विरुद्ध जो है पहले से विद्यमान असंतोष को और अधिक बढ़ा दिया। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो चीज़ें हो रही, जिसके चलते बिहार में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, अकाल की आवृत्ति में वृद्धि जो हो रही है, इस अकाल की आवृत्ति में जो वृद्धि हो रही है, इसके लिए लोग मानते हैं कि इसके लिए केवल और केवल ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी है। और इसके कारण बिहार में यह असंतोष बहुत ही प्रभावशाली रहा। इसके साथ ही साथ जहाँ तक राजनीतिक के कारण की बात है, तो बिहार राजनीतिक रूप से बिहार जो है एक जागरूक जगह था, राजनीतिक के सक्रियता बिहार में ज़्यादा थी, क्योंकि बिहार में जो जनजातीय विद्रोह है
इसके पहले 1857 के विद्रोह के पहले जो हो विद्रोह होता है या संथाल विद्रोह होता है, तो संथाल विद्रोह केवल जनजातियों का विद्रोह नहीं था बल्कि उस विद्रोह के अंतर्गत निम्न जाति के लोग भी उसमें शामिल थे और इसके कारण राजनीतिक रूप से बिहार एक सक्रिय स्थल था, एक सक्रिय क्षेत्र था। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये हुआ कि इस तरह के जो असंतोष पहले से विद्यमान थे जिसके कारण बिहार के समाज के लगभग सभी वर्गों का विद्रोहियों को समर्थन मिला, लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कारण था इन कारकों के अलावा, उसमें बिहार में कुंवर सिंह का नेतृत्व, कुंवर सिंह का जो नेतृत्व है बिहार में, इसने बिहार को 1857 के विद्रोह में एक प्रभावशाली केंद्र के रूप में विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। क्योंकि बिहार में यह विद्रोह रोहिणी में 12 जून 1857 को एक सैनिक विद्रोह के रूप में होता है, बाद में 3 जुलाई को रोहिणी के बाद जो है 3 जुलाई को पीर अली पटना में जब विद्रोह करता है और बाद में 25 अगस्त को मुजफ्फरपुर के सैनिक विद्रोह करते हैं और 25 अगस्त को ही दानापुर में सैनिक विद्रोह करते हैं, तो एक चीज़ ये समझने वाली है कि दानापुर के सैनिकों ने कुंवर सिंह के पास जाकर के और उनसे नेतृत्व संभालने के लिए क्यों कहा। दरअसल 1857 के विद्रोह के पूर्व ही कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में एक ऐसा सामाजिक समन्वय किया था, प्रगतिशील विकास की अवधारणा रखी थी और लोगों के साथ उनका जो सामाजिक समन्वय था उसके कारण कुंवर सिंह एक योग्य कुशल नेतृत्व के रूप में उभर चुके थे 1857 के पहले भी, क्योंकि कुंवर सिंह 1857 के पहले भी लोकप्रिय थे। और जब सैनिक के कुंवर सिंह से नेतृत्व संभालने का आग्रह करते हैं तो कुंवर सिंह ने एक न केवल कुशल नेतृत्व प्रदान किया बल्कि कुंवर सिंह ने विद्रोह के कुशल संगठनकर्ता का काम किया। कुंवर सिंह ने समन्वय किया और यह समन्वय दो आधार पर था, एक तो सामाजिक समन्वय करने का काम किया कि समाज के सभी वर्गों में जिनमें अंग्रेजों के प्रति असंतोष था उसको कुंवर सिंह ने एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया और उस प्लेटफॉर्म पर कुंवर सिंह ने सभी सामाजिक वर्गों को सैनिक, असैन, जनजातीय, गैर जनजातीय, दलित, मुस्लिम, किसान और समाज के ऊंच वर्ग, ऊंच जाति के लोग, सारे लोग कुंवर सिंह के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह में भाग लेते हैं। और साथ ही साथ कुंवर सिंह ने विद्रोह के अंतर्गत जो छपमार युद्ध प्रणाली का अनुसरण किया, इस छपमार युद्ध प्रणाली ने ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष एक बहुत गंभीर चुनौती प्रदान की और इसके साथ कुंवर सिंह ने द्वितीय पंक्ति के नेतृत्व का भी डेवलपमेंट किया। और फिर कुंवर सिंह ने एक राजनीतिक समन्वय स्थापित करते हुए बांदा में तांतिया टोपे से मिले, लखनऊ में बेगम हजरत महल से मिले और कानपुर में नाना साहब के साथ युद्ध में भाग लेते हैं। इस तरह की जो समन्वय की प्रक्रिया कुंवर सिंह के द्वारा की जाती है और लोगों को यह लगता है कि बिहार का जो लीडर कुंवर सिंह है न केवल बिहार में प्रभावशाली संगठन करते हैं, प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान करते हैं बल्कि अन्य क्षेत्र के नेताओं के साथ भी वो संबंध स्थापित करते हैं जिसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बिहार के लोगों पर पड़ता है। और इस कारण से बिहार 1857 के विद्रोह में एक प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित होता है। और इस प्रकार आप इसमें निष्कर्ष इसका लिख सकते हैं कि इस प्रकार बिहार में 1857 के विद्रोह की आधारभूत परिस्थितियां विद्यमान थी, बिहार में अपेक्षाकृत ज़्यादा असंतोष विद्यमान था और इस असंतोष की अभिव्यक्ति बहुत तीव्रता के साथ बिहार में होती है और इसीलिए 1857 के विद्रोह में बिहार एक प्रभावशाली केंद्र के रूप में विकसित होता है। अब हम लोग 1857 के विद्रोह के असफलता के कारणों का मूल्यांकन करेंगे, यानी कि 1857 का विद्रोह क्यों विफल हुआ। इसकी असफलता का क्या कारण है, राइट? इसकी
असफलता का क्या कारण है। तो जब हम 1857 के विद्रोह की असफलता का मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे, तो खास करके जब आप इसका इंट्रोडक्शन आप लिखने का प्रयास करें, तो इसको थोड़ा आप दूसरे वे में इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। और आप लिख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों का मूल्यांकन विद्रोहियों की कमजोरियों एवं सरकार की जो मजबूती है, सरकार जो सशक्त है, उसका तुलनात्मक अध्ययन कर हम प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी एक तरफ 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों की कुछ कमजोरियां हैं, राइट, जो विद्रोही हैं इनकी कुछ कमजोरी है। क्या क्या इनकी कमजोरी है ये हम देखेंगे। और दूसरा, जो सरकार है उसके सबल पक्ष क्या हैं, यानी कि जब कभी भी हम 1857 के विद्रोह के जो असफलता के कारण का मूल्यांकन करें, तो हमें यह देखना है कि विद्रोहियों का निर्बल पक्ष क्या है, कहाँ कमजोर थे विद्रोही, कौन कौन इनकी कमजोरी थी जो कि विद्रोह की असफलता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए, और सरकार के पास कहाँ मजबूती थी, सरकार किस प्रकार से प्रभावशाली थी जो कि विद्रोह को नियंत्रित कर सकी। तो इसके अंतर्गत अगर हम विद्रोहियों की कमजोरी की बात करें, तो इसमें कई कमजोरियां विद्रोहियों में था, जिसमें पहला ये चीज़ अगर हम लिख सकते हैं कि 1857 का विद्रोह अनियोजित था, यानी कि अनप्लान्ड था, इसकी कोई प्लान नहीं थी। और कोई भी विद्रोह जिसकी कोई प्लानिंग नहीं होती है उसकी सफलता संदिग्ध होती है। और ये एक बहुत बड़ा कारण था कि जब 1857 का विद्रोह होता है तो यह एक स्वतः स्फूर्त विद्रोह के रूप में सामने आता है, और जो विद्रोही हैं उनके पास जो है न तो तत्कालिक समय में कोई प्लान था कि विद्रोह को कैसे हैंडल करेंगे, और न ही विद्रोह के बाद हम क्या करेंगे, इसके बारे में भी उनके पास कोई भी प्लान नहीं था, और यह विद्रोह की असफलता का एक प्रमुख कारण है। दूसरा जो विद्रोहियों की असफलता का कारण है वो है कि यह असंगठित विद्रोह था, इसमें संगठन का अभाव था। जब भी हम आंदोलन करेंगे, जब भी हम विद्रोह करेंगे और हमारे पास कोई संगठन नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके माध्यम से हम उसको लीड कर सकें, तो हमारी सफलता संदिग्ध हो जाती है। क्योंकि किसी भी आंदोलन को या विद्रोह को सफलीभूत कराने के लिए एक प्रॉपर आधुनिक संगठन का होना या परंपरागत संगठन का होना आवश्यक है। यहाँ पर विद्रोहियों के पास किसी प्रकार का संगठन का अभाव था। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो था ये था कि विद्रोहियों में आपसी समन्वय का अभाव था, आपसी समन्वय का अभाव था, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, इनके बीच आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं थे। बिहार में कुंवर सिंह ने कुछ कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन अधिकांश क्षेत्र के विद्रोही स्वयं के लिए लड़ रहे थे, स्वयं के संसाधनों के बल पर लड़ रहे थे, और न ही उनके बीच आपस में कोऑर्डिनेशन कर इसको अखिल भारतीय स्वरूप देने का प्रयास किया गया, जो कि विद्रोह का एक बहुत बड़ा असफलता का कारण था। इसके अलावा जो ये विद्रोह है यह एक तरह से पुनर्स्थापन विद्रोह था, पुनर्स्थापन रीस्टोरेशन मूवमेंट था, क्योंकि विद्रोही अपनी पूर्व की स्थिति को बहाल करना चाहते थे। विद्रोह के बाद जो उनके देसी रियासत छीन लिए गए थे, तो वो उस देसी रियासत को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, न कि देश को स्वतंत्र कराने का प्रयास कर रहे थे। साथ ही साथ उनमें भविष्य दृष्टि का भी अभाव था, और भविष्य दृष्टि का भाव था, इस कारण से भी ये कमजोर पड़े। क्योंकि विद्रोह जब एक बार हो जाती है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद जब तक आपके पास फ्यूचर परस्पेक्टिव नहीं है,
तो फिर आप विद्रोह को हैंडल करने में आप विफल हो जाते हैं, और यह 1857 के विद्रोह की विफलता का एक प्रमुख कारण था। इसके अलावा इस विद्रोह की असफलता के कारणों में आप और भी चीज़ों को लिख सकते हैं, जिसमें एक तो ये है कि इसमें शिक्षित जो मध्यम वर्ग है, इस शिक्षित मध्यम वर्ग का इनको समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, जो कि विद्रोह को एक नई दिशा दे सकते थे, विद्रोह को एक आधुनिक दिशा दे सकते थे, जो कि इसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। इसके साथ ही साथ जो 1857 का जो विद्रोह है, इसमें व्यापारी जो वर्ग है, इस व्यापारी वर्ग का भी इसे अपेक्षाकृत न के बराबर समर्थन प्राप्त था। इसके अलावा जो यह विद्रोह था, इसमें जो विद्रोही थे उनके पास आधुनिक सैन्य सामान का अभाव था, और वे परंपरागत हथियारों के आधार पर ही विद्रोह में लड़ रहे थे। और इसके अलावा इससे विद्रोह की एक और कमजोरी यह थी कि विद्रोही के पास कुशल नेतृत्व का अभाव था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो नेतृत्व कर सके। अंत में उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया, जो कि खुद ही नेतृत्व नहीं करना चाहता था। और साथ ही साथ अधिकांश जगह पर, अगर बिहार को हम छोड़ दें, तो अधिकांश जगह पर द्वितीय पंक्ति के नेतृत्व का भी अभाव था। तो एक बार जब विद्रोही का नेता मर जाता है, जैसे झांसी की रानी मर गई तो झांसी में विद्रोह समाप्त हो गया। तो ये जो प्रमुख इनकी कमजोरियाँ थी जिसके कारण यह विद्रोह असफल होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सरकार का पक्ष है, सरकार के कई सबल पक्ष थे, जिसमें पहला तो इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि जो ब्रिटिश सरकार है वो विश्व की सबसे मजबूत सरकार थी, जिसके पास सैन्य एवं आर्थिक संसाधन बहुत ही व्यापक था, और विश्व के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यवादी देश के साथ विद्रोहियों का लड़ना बहुत ही मुश्किल था। दूसरा कि ब्रिटिश सरकार के पास आधुनिक प्रशिक्षित सेना थी, आधुनिक प्रशिक्षित सेना थी, और लॉर्ड कैनिंग के रूप में उसे कुशल नेतृत्व भी प्राप्त था। और साथ ही साथ लॉर्ड कैनिंग ने भारत के कई देशी रियासतों के साथ संपर्क स्थापित किया, और देशी रियासत के राजाओं ने भी उसका समर्थन किया, जो यह दिखाता है कि यह विद्रोह जो भारत में हुआ था, ये अखिल भारतीय न होकर के कई ऐसे देशी रियासत के लोग थे, कई ऐसे समाज के लोग थे जो अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे, और इस स्थिति में इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेज सफल रहे। इसके साथ ही साथ बहुत शीघ्र जो है ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटेन से सेना भेज दिया, और ब्रिटेन से जो ब्रिटिश सरकार ने सेना भेजा उसके बल पर अंततः लॉर्ड कैनिंग इस विद्रोह को दबाने में सक्षम होता है। इसलिए जहां एक तरफ हम देखते हैं कि विद्रोहियों के पास कई समस्याएं विद्यमान थी, वहीं सरकार के कई सबल पक्ष थे जिसके कारण सरकार अंततः इस विद्रोह को दबाने में सक्षम हुई, राइट। तो आप निष्कर्ष में ये आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार 1857 के विद्रोह की असफलता में, जहां विद्रोहियों की जो मूलभूत कमजोरियां थी और जहां सरकार के जो सबल पक्ष थे उसमें सबल पक्ष भारी पड़ा, और अंततः यह विद्रोह विफल हो गया। अब हम लोग 1857 के विद्रोह के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। 1857 के विद्रोह का प्रभाव, इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट हुआ, तो इसके प्रभाव का अध्ययन भी हम कार्य कारण संबंधों के परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं, राइट। और इसलिए हमें इसके इंट्रोडक्शन जो है, प्रभाव का इंट्रोडक्शन जो है, उसमें हम लिख सकते हैं कि 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम जन विद्रोह था, जिसने
भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति एवं संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न किए और इसके कारण भारत में एक मूलभूत परिवर्तन दिखाई देता है। और इसके बाद जो इसके स्ट्रक्चर हैं, जो स्ट्रक्चर के अंतर्गत आप लिखेंगे, जिसमें इसके प्रभाव को अगर रेखांकित करना है, तो सबसे पहले तो हम इसके राजनीतिक प्रभाव की बात करेंगे। राइट, तो राजनीतिक प्रभाव के अंतर्गत जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, उसमें पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर दी जाती है और भारतीय साम्राज्य को सीधे ब्रिटिश क्राउन से जोड़ दिया जाता है। राइट, यानी अब भारत का जो साम्राज्य है, ये सीधे ब्रिटिश सरकार अब इसको हैंडल करने लगी और ये 1857 के विद्रोह का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रभाव है, क्योंकि इसके पूर्व भारत पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, अब भारत पर ब्रिटिश सरकार का शासन प्रत्यक्ष रूप से प्रारंभ होता है। दूसरा, जब 1857 का विद्रोह होता है, तो इसके बाद जो कंपनी की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दो प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन था, इन दोनों को समाप्त कर दिया जाता है, इसे समाप्त कर दिया जाता है। और तीसरा, 1857 के विद्रोह के बाद एक नया पद भारतीय राज्य सचिव का गठन किया जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और ये भारत राज सचिव जो है, ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था और अब यह भारतीय शासन के लिए उत्तरदायी बनाया गया। और इसके साथ इसके 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया, जिसमें जो मेंबर हैं, ये मेंबर भारत राज सचिव को सलाह देते। इसके अलावे जो चौथा महत्वपूर्ण चीज़ हुआ कि अब भारत में गवर्नर जनरल को वायसराय का पदनाम दिया गया। और इसके साथ ही इन महत्वपूर्ण बदलावों के अलावे अब ब्रिटिश सरकार ने अपने जो राजनीतिक पॉलिसी थी उसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव किया और ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण 1857 के विद्रोह के बाद प्रारंभ किया। इसके साथ ही 1857 के विद्रोह के पूर्व भारत में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारतीयों के विचारों से अवगत हो सके, और इसीलिए यह महसूस किया गया कि भारत में कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसके माध्यम से सरकार के संदर्भ में भारतीयों के विचारों को जाना जा सके। और इसलिए 1861 के विधायी परिषद अधिनियम के माध्यम से भारत में विधायी परिषदों का गठन भी किया जाता है। ये इसके महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम हैं, प्रभाव है। लेकिन ये तो सरकार के संदर्भ में परिणाम है, प्रभाव है। इसके साथ ही सरकार ने सैनिक के जो सेवा थी उसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए और उसमें भारतीय सैनिकों की संख्या को घटा दिया और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया। और महत्वपूर्ण जो रणनीतिक क्षेत्र थे, रणनीतिक स्थल के जो क्षेत्र थे, उसको ब्रिटिश सैनिकों के कमांड में दे दिया। महत्वपूर्ण हथियार औजार भी ब्रिटिश सैनिकों के कमांड में डाल दिया और भारतीय सेना में भी फूट डालो एवं राज करो की नीति का अनुसरण किया गया, जिसके अंतर्गत सिख रेजिमेंट वगैरह का निर्माण करके भारत के एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय से लड़ाने का काम न केवल आम जन में करने का प्रयास किया बल्कि सेना में भी इसको लोग ले गए। लेकिन इसका प्रभाव भारत की जो राजनीति है इस पर भी पड़ा, क्योंकि 1857 के विद्रोह की विफलता के बाद भारतीय लोगों ने यह महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार को हम
अचानक असंगठित अनियोजित विद्रोह के माध्यम से सत्ता से नहीं हटा सकते हैं। अगर हमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है तो हमें संगठित लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और इस तरह से 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप के प्रभाव स्वरूप भारत में संगठित राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत होती है, जो कि 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट अगर प्रभाव को हम देखें 1857 के विद्रोह का, तो आर्थिक प्रभाव आप देख सकते हैं, और आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, इसके अंतर्गत जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रभाव पड़ा, वो प्रभाव पड़ा कि उपनिवेशवाद के अंतर्गत अब वित्तीय पूंजीवाद की शुरुआत की गई। यानी कि 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने फाइनेंशियल कैपिटलिज्म के पॉलिसी का अनुसरण किया, और जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने ये पॉलिसी बनाया कि जो ब्रिटेन के जो कंपनी हैं वो भारत में निवेश करें, और उस निवेश के बदले में ब्रिटिश सरकार भारतीय राजस्व से उन्हें लाभ की गारंटी प्रदान करेगी, जिसके तहत उन्होंने रेलवे में 4% लाभ की गारंटी के माध्यम से निवेश आमंत्रित किया। तो एक तरह से एक नई शुरुआत होती है भारत की अर्थव्यवस्था में, जहां ब्रिटिशर्स अब पूंजी के माध्यम से भारत का आर्थिक शोषण करने का प्रक्रिया शुरू करते हैं। दूसरा कि 1857 के विद्रोह के बाद जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और उसके इंडिया काउंसिल का गठन किया गया, तो उसके इंडिया काउंसिल और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है, उस एक्सपेंडिचर को भारतीय राजस्व पर डाल दिया गया और उसे होम चार्जेस के रूप में शामिल किया गया। कहा गया कि होम चार्जेस है, और यह होम चार्जेस निरंतर बढ़ते गया, जिसके कारण भारतीय राजस्व पर दबाव पड़ता है, और एक तरह से भारत से धन का बहिर्गमन भी होता है, शोषण भी होता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से ये आया कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्रशासनिक एवं सैन्य व्यय मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर जो था उसकी मात्रा को बढ़ा दी, और जब इसकी मात्रा को ब्रिटिश सरकार ने भारत में बढ़ा दी, तो इसके कारण जो सामाजिक विकास के काम हैं, जो कल्याणकारी कार्य हैं, उसके लिए राजस्व की कमी हुई, और इसके कारण 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। यानी 1857 के विद्रोह का एक प्रभाव कुप्रभाव ये हुआ कि भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और अकाल की आवृत्ति और बढ़ जाती है। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो प्रभाव आप देख सकते हैं, वो प्रभाव है सामाजिक क्षेत्र में। तो सामाजिक क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार ने अपने सामाजिक की जो नीति थी, जो उसकी सोशल पॉलिसी थी, जिसके अंतर्गत 1857 के पूर्व ब्रिटिश सरकार भारत में समाज सुधार कर भारत का आधुनिकीकरण करना चाहती थी, पश्चिमीकरण करना चाहती थी, अब ब्रिटिश सरकार ने भारत में सामाजिक सुधार के जो कार्य हैं उसको शिथिल कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को यह लगने लगा कि भारत में अगर सामाजिक विकास होता है तो समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं वो कल हमारे विरुद्ध जा सकते हैं, और इसलिए सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी जो व्यय है उसको भी घटा दिया, और सामाजिक सुधार की जो प्रक्रिया के अंतर्गत उन्होंने भारत के जो रूढ़िवादी समाज में जो कमजोरियां थी उसको दूर करने का प्रयास कर रहे थे, उसको भी उन्होंने शिथिल कर दिया। चौथा जो संस्कृति के क्षेत्र में हुई, इसका प्रभाव हुआ, तो संस्कृति के क्षेत्र में यहाँ से जो धार्मिक के हमारा जो आंदोलन है सुधार का, इस धार्मिक सुधार के आंदोलन के अंतर्गत पुनर्स्थापन आंदोलन प्रारंभ होता है, और पुनर्स्थापन आंदोलन जो प्रारंभ होता है तो इसके कारण सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उद्भव भी होता है, और यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक तरह से भारत में राष्ट्रवाद के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका बाद के दिनों में करती है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह का जो प्रभाव है वो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, सैनिक सभी क्षेत्रों में प्रभावशाली दिखाई देती है, और
इस कारण से 1857 का विद्रोह भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति एवं धर्म, प्रथा, परंपरा सभी को व्यापक तौर पर प्रभावित करती है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1857 की विद्रोह की प्रकृति। अब हम लोग इसकी प्रकृति का अध्ययन करेंगे। जो 1857 का विद्रोह है, इसकी प्रकृति, नेचर ऑफ 1857 रिवोल्ट। अब देखिए, प्रकृति से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, जो टॉपिक होते हैं इतिहास में, तो समान तौर पर ये विवादग्रस्त होते हैं। इसलिए जब आप 1857 के विद्रोह की प्रकृति का इंट्रोडक्शन लिखने का प्रयास करें, तो आप इसको लिख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह की प्रकृति के संदर्भ में इतिहासकारों में मत मतांतर है, और इस कारण से 1857 के विद्रोह की प्रकृति के संदर्भ में कई संकल्पनाएं प्रस्तुत की गई है। हम अपनी इंट्रोडक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जो इसका स्ट्रक्चर है, इस टॉपिक का जो स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो प्रकृति की विवेचना की गई है, जिसमें कई मत हैं, जिसमें एक तो साम्राज्यवादी इतिहासकारों का है, राइट, साम्राज्यवादी इतिहासकारों का, यानी इसमें जो ज़्यादातर जो हैं ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी जो भारत में थे, या उस समय जो ब्रिटिश विद्वान थे, या साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से जो लोग इतिहास को लिखने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं, उनका दृष्टिकोण है। और उस दृष्टिकोण के अंतर्गत इनका विचार है मेन, कि 1857 का विद्रोह महज एक सैनिक विद्रोह था, महज एक सैनिक विद्रोह था। यानी कि एक एंगल तो ये है कि कुछ लोग जो हैं इसे सिपाही म्यूटिनी के रूप में देखते हैं, सैनिक विद्रोह के रूप में देखते हैं। दूसरा, जो स्ट्रक्चर के अंतर्गत आप ये चर्चा कर सकते हैं कि कुछ लोग इसे राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखते हैं, इसमें राष्ट्रीय विद्रोह की जो संकल्पना है, इसमें एक तो डिजरेली जो हैं बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए थे, तो डिजरेली ने ब्रिटिश कॉमन सभा में ये प्रश्न किया था कि कहीं अंग्रेज़ भारत में राष्ट्रीय विद्रोह का सामना तो नहीं कर रहे। और दूसरा, इसमें कार्ल मार्क्स ने भी ये कंसेप्ट दिया था कि अंग्रेज भारत में राष्ट्रीय विद्रोह का सामना कर रहे हैं। तो दो महत्वपूर्ण चीज़ जो राष्ट्रीय विद्रोह के अंतर्गत आपको जानकारी चाहिए, वो आपको यहाँ जानकारी रखनी चाहिए। और तीसरा, एक स्वतंत्रता संग्राम का जो कंसेप्ट, इसको 1909 ईस्वी में जो राष्ट्रवादी नेता हैं ब्रिटिश सावरकर, ये ब्रिटिश सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहकर संबोधित किया। स्वतंत्रता संग्राम, सावरकर ने कहा कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, तो इस एंगल को देखने का हम प्रयास करेंगे। और एक आरसी मजुमदार का हाइपोथेसिस है, जिसमें आरसी मजुमदार कह रहे हैं कि यह ना तो प्रथम न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम था, और एक एंगल है एसपी चौधरी का,
जो इसे जन विद्रोह के रूप में देखते हैं, और एक आधुनिक के विद्वान हैं सीए बेली, जो इसको देशभक्तिपूर्ण भावना से प्रेरित जन विद्रोह के रूप में देखते हैं, देशभक्तिपूर्ण भावना से प्रेरित जन विद्रोह। तो जब आप 1857 के विद्रोह की प्रकृति को देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, तो सबसे पहला जो आपको काम करना चाहिए कि ये जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन को सबसे पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए, और फिर इस डायमेंशन को एक एक करके हम समझने का प्रयास करें कि इस डायमेंशन को कैसे हमें लिखना है, और सभी आलोचनात्मक रूप में रहेंगे। एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि जब आप इसको लिखने का प्रयास करेंगे तो आलोचनात्मक रूप में लिखेंगे, क्योंकि देखिए साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने क्या कहा कि महज यह एक सैनिक विद्रोह था, और उन्होंने फिर कहा कि यह विद्रोह जो है ये ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में कोई मूलभूत कमजोरी के कारण नहीं हुआ था, लेकिन कुछ कमजोरियां विद्यमान थी जिसके कारण यह विद्रोह हो गया, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, और जिससे कानून एवं व्यवस्था की स्थिति कमजोर हुई और फिर लोग लूटपाट करने लगे। लेकिन यह सैनिक विद्रोह ही था, इसमें नागरिक विद्रोह का लक्षण नहीं था, राइट? यानी कि साम्राज्यवादी जो इतिहासकार हैं, इसमें नागरिक विद्रोह जो है, सिविल रिबेलियन का जो इसमें कंसेप्ट है, उससे इनकार करते हैं। कुछ लोग इसको ईसाइयों के विरुद्ध हिंदुओं और मुसलमानों का षड्यंत्र भी करते हैं, ये साम्राज्यवादी लोग ही हैं। लेकिन वास्तव में इनका जो अप्रोच है वो विद्रोह की प्रकृति का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना नहीं है। हम इसका जब खंडन करेंगे तो हम ये बात कहेंगे कि इनका दृष्टिकोण जो है विद्रोह का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना नहीं था, बल्कि इनका दृष्टिकोण यह था कि अपनी कमियों को छुपाएं और फिर इसे महज एक सैनिक विद्रोह करार दे करके ये इसके प्रकृति की जो विवेचना, जो स्वरूप की जो विवेचना है, वह व्यापक तौर पर ना करके संकीर्ण रूप में करते हैं। लेकिन दूसरा जो अप्रोच है, जैसा कि हमने कहा कि डिज़रेली ने कहा, ब्रिटिश हाउस में ये सवाल पूछा कॉमन सभा में कि कहीं अंग्रेज़ राष्ट्रीय विद्रोह का सामना तो नहीं कर रहे हैं, और कार्ल मार्क्स ने भी नहीं कहा, तो इसका मतलब जरूरी इंडिकेशन मिल रहा है कि 1857 का विद्रोह महज एक सैनिक विद्रोह नहीं था, यह सैनिक विद्रोह से ज़्यादा था, क्योंकि बिना सैनिक विद्रोह से ज़्यादा हुए उस समय के, एक तो डिज़रेली बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी होते हैं, तो उन्होंने ये जो सवाल उठाया तो इसका मतलब है कि उनका भी मानना था कि यह सैनिक विद्रोह से ज़्यादा है, और इसे राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में देख सकते थे। कार्ल मार्क्स ने भी इसे राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में देखने का प्रयास किया, और बी.डी. सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। लेकिन फिर हमें इसकी भी सीमाएं रेखांकित करनी चाहिए, और ख़ासकर इसकी सीमाएं क्या है कि इस समय भारत एक राष्ट्र नहीं था। पहला जो ये था कि भारत एक राष्ट्र नहीं था, तो फिर राष्ट्रीय विद्रोह कैसे होगा? दूसरा, राष्ट्रीयता की जो अवधारणा है, राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है, भारत के दिनों, भारत में बाद के दिनों में विकसित होती है। तीसरा, कि भारत के न पूरे सभी क्षेत्रों में ये विद्रोह प्रभावशाली था, न सारे वर्ग इस विद्रोह में शामिल थे, यहाँ तक कि कुछ देसी रियासत तो अंग्रेजों के पक्ष में खड़े थे, इसलिए इसे राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा जा सकता है। जहाँ तक सावरकर का प्रश्न है, तो सावरकर एक राष्ट्रवादी नेता थे जो विद्रोह का इस्तेमाल भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसको मजबूत करने के लिए कर रहे थे, इसलिए इसी भी हम वस्तुनिष्ठ रूप से किया गया मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, ये भी वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नहीं है, जिसका आरसी मजुमदार ने खंडन भी किया है कि यह तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता संग्राम था। इसके बाद हम बात करेंगे एसपी चौधरी का, जो कहते हैं कि जन विद्रोह था। वास्तव में अगर देखा जाए तो यह जन विद्रोह था, क्योंकि जो विद्रोह था वो स्वतः स्फूर्त था, जनता
के मन में आक्रोश था और जनता ने आम जन की जो विद्रोह करने की जो परंपराएं हैं उसके अनुरूप सामान्य जो हथियार है जो प्रत्येक व्यक्ति के घरों में रहता है उसको लेकर के जनता ने अपनी असंतोष को जाहिर किया था, इसलिए इसे जन विद्रोह के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इस पे सी बेली ने एक आधुनिक रिसर्च में यह बात रखी है कि जो 1857 का विद्रोह है देशभक्तिपूर्ण भावना से प्रेरित जन विद्रोह के रूप में देखा जा सकता है और इसको आप निष्कर्ष के रूप में भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं कि इस प्रकार उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह देशभक्तिपूर्ण भावना से प्रेरित एक जन विद्रोह था। अब हम लोग 1857 के विद्रोह में कूर्ण सिंह की भूमिका का मूल्यांकन करेंगे। देखिए 1857 का जो विद्रोह है खासकर बिहार में, तो बिहार में 1857 के विद्रोह को कुंवर सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया था। और एक अक्सर बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की भूमिका या उनकी भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो जहां तक कुंवर सिंह की भूमिका को लिखने का सवाल है तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा और इंट्रोडक्शन में हम कुंवर सिंह का परिचय देते हुए राइट कुंवर सिंह की कुछ खास जो खासियत है भूमिका के संदर्भ में उसको लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे आप लिख सकते हैं कि कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे जो कुशल नेतृत्वकर्ता, कुशल योद्धा, कुशल संगठनकर्ता, कुशल रणनीतिज्ञ, कुशल समन्वयकर्ता थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में न केवल बिहार में नेतृत्व प्रदान किया बल्कि अखिल भारतीय स्तर पर भी नेताओं के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। इसके बाद जब कुंवर सिंह की भूमिका कि स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि आप भूमिका को लिखने का प्रयास करते हैं तो इसके अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे पहला जो है कि कुंवर सिंह एक कुशल नेतृत्वकर्ता हैं, इनकी भूमिका जो है वो कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में है और आपको ये दिखाना होगा कि कुंवर सिंह किस प्रकार से कुशल नेतृत्व करता है। दूसरा, कुंवर सिंह कुशल संगठन करता है तो आपको कुंवर सिंह के कुशल संगठनकर्ता के रूप में भी आपको दिखाना पड़ेगा। तीसरा, कि कुंवर सिंह कुशल समन्वय करता है कोऑर्डिनेटर हैं राइट ऑर्गेनाइजर हैं लीडर हैं, तो किस प्रकार कुंवर सिंह एक के कुशल समन्वयकर्ता हैं। और फिर नेक्स्ट, कुंवर सिंह एक कुशल योद्धा एवं रणनीतिकार हैं, कुशल योद्धा एवं रणनीतिकार हैं। और फिर इसमें हम इनकी बिहार या देश के संदर्भ में जो इनके योगदान हैं उस योगदान के माध्यम से उदाहरण दे करके हम इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि कुंवर सिंह एक कुशल नेतृत्वकर्ता हैं तो कैसे कुशल नेतृत्वकर्ता हैं कुंवर सिंह। जैसा हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह में जब 25 से जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों ने विद्रोह किया तो दानापुर से सैनिक 26 जुलाई 1857 को आरा पहुंचाते हैं। और जब सैनिक आरा पहुंच जाते हैं तो कुंवर सिंह
से नेतृत्व स्वीकार करने का आग्रह करते हैं और कुंवर सिंह उन्हें अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं। तो ये सैनिक कुंवर सिंह के पास क्यों गए? क्योंकि पहले से ही कुंवर सिंह एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने क्षेत्र में प्रख्यात थे और कुंवर सिंह वास्तव में कुशल नेतृत्व भी प्रदान करते हैं, क्योंकि कुंवर सिंह ने 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया। और जो कुंवर सिंह आरा पर अधिकार करते हैं तो उस समय कुंवर सिंह सैन्य एवं असैन्य दोनों ही जनता को अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं। यानी कि जो कुंवर सिंह लीडरशिप प्रदान करते हैं 27 जुलाई में जब वो डनवर को पराजित करते हैं आरा में, तो कुंवर सिंह की सेना में सैनिक के साथ साथ असैन्य जनता भी है। असैन्य जनता भी आरा में विद्रोह करती है और यह विद्रोह असैन्य जनता इसलिए करती है क्योंकि कुंवर सिंह उसको नेतृत्व प्रदान करते हैं। इसके अलावा जब झारखंड में विद्रोह होता है, झारखंड की रामगढ़ जो बटालियन विद्रोह करती है, तो झारखंड की रामगढ़ बटालियन विद्रोह करके और फिर सासाराम पहुंचती है, तो सासाराम पहुंच करके वो झारखंड की रामगढ़ बटालियन भी कुंवर सिंह के नेतृत्व को स्वीकार करती है, जो हमें इस बात को रेखांकित करता है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आते हैं, जो कि इन्हें एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करता। दूसरा जो महत्वपूर्ण कुंवर सिंह का जो भूमिका है कि एक कुशल संगठनकर्ता है, ऑर्गेनाइजर हैं, क्योंकि कुंवर सिंह ने न केवल नेतृत्व प्रदान किया बल्कि विद्रोहियों को संगठित करने का प्रयास किया और इसके अंतर्गत इन्होंने सैनिकों को संगठित किया, असैनिक को भी संगठित किया और समाज के सभी वर्गों को संगठित करने का प्रयास किया। साथ ही साथ इस संगठनकर्ता के अंतर्गत कुंवर सिंह द्वितीय पंक्ति के नेतृत्व का डेवलपमेंट करते हैं। ये बहुत बड़ा कुंवर सिंह की भूमिका है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में सेकंड लाइन के नेतृत्व का डेवलपमेंट करते हैं। जैसे कुंवर सिंह जब 1 से 3 अगस्त के बीच बीबीगंज की लड़ाई में पराजित हो जाते हैं, तो पराजित होने के बाद कुंवर सिंह आरा को छोड़ करके नोखा जाते हैं, सासाराम जाते हैं। लेकिन इसी बीच कुंवर सिंह ने क्या किया कि अपने भाई अमर सिंह को नेतृत्व का जो विद्रोह का नेतृत्व था वो अपने भाई अमर सिंह को विद्रोह का नेतृत्व प्रदान कर दिया और कुंवर सिंह वहाँ से बिहार छोड़ करके वो तांतिया टोपे के पास बंदा जा करके उससे मिलते हैं, बेगम हजरत महल से जा करके लखनऊ में मिलते हैं, नाना साहब के साथ मिलते हैं और इस सारे लोगों को एक जगह संगठित करने का प्रयास करते हैं, जो कि कुंवर सिंह की एक महत्वपूर्ण ये उपलब्धि भी है और ये बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बिना संगठन का कुंवर सिंह यह बात महसूस कर गए थे कि बिना संगठन के, बिना आपस में संगठित हुए हम विद्रोह को सफलीभूत नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये कुंवर सिंह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा जो कुंवर सिंह की भूमिका को आप लिखने का प्रयास करें तो आप इसको लिखें कि कुंवर सिंह जो है 1857 के विद्रोह में एक महान समन्वयकर्ता हैं, कोऑर्डिनेटर हैं और इनका कोऑर्डिनेशन जो है ये दो स्तर पर है। एक तो सामाजिक स्तर पर, ये समाज के सारे वर्गों को सोशल लेवल पर कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि कुंवर सिंह के जो विद्रोह है इसमें सैनिक है, असैन्य जनता है, इसमें जनजातीय लोग हैं, इसमें दलित वर्ग के लोग हैं, इसमें मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, इसमें कृषक हैं, दस्तकार हैं, सभी जातियों के लोग जो हैं कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह में भाग लेते हैं और सभी के बीच कुंवर सिंह ने कोऑर्डिनेशन किया। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, बहुत सोचने वाली बात है कि बिहार जो आज भी एक परंपरागत समाज है जहाँ जातिगत रूढ़ियाँ हैं, जातिगत अलगाव है, लेकिन कुंवर सिंह के नेतृत्व में सभी जाति सभी वर्ग के लोगों ने 1857 में भाग लिया, जो कि यह प्रमाणित करता है कि कुंवर सिंह एक बहुत बड़े सोशल कोऑर्डिनेटर के रूप में वो हैं और समाज में एक सोशल कोऑर्डिनेशन करने में वो सफलता प्राप्त किए थे। इसके अलावा
कुंवर सिंह यहाँ राजनीतिक समन्वय भी करते हैं, पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं, क्योंकि आप देखिए कि हमने चर्चा भी किया कि कुंवर सिंह जब बिहार से पलायन करते हैं तो पलायन करने के बाद कुंवर सिंह जो है बंदा में जाके तात्या टोपे से मिलते हैं, या लखनऊ में जाके बेगम हजरत महल से मिलते हैं, या कानपुर में नाना साहब के साथ मिलकर के उनके कमांडेंट के रूप में कानपुर के युद्ध में भाग लेते हैं। तो कुंवर सिंह क्या कर रहे हैं? कुंवर सिंह एक पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो विद्रोह है और विद्रोही हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन कर सकें, ताकि हम प्रभावशाली तरीके से अंग्रेज़ों के साथ फाइट कर सकें। क्योंकि कुंवर सिंह ही एक ऐसा पर्सनालिटी हैं 1857 के विद्रोह में जो इस बात को समझ गए थे कि विदाउट कोऑर्डिनेशन के, विदाउट आपस में संगठित हुए, हम अंग्रेजों जैसी शक्तिशाली सत्ता को पराजित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कुंवर सिंह एक बेहतर रणनीतिकार हैं, एक स्ट्रेटजिस्ट थे कुंवर सिंह, क्योंकि कुंवर सिंह ने जब 1 से 3 अगस्त में आरा के बीबीगंज के युद्ध में कुंवर सिंह पराजित हो जाते हैं आयरकूट के द्वारा, तो कुंवर सिंह इस बात को महसूस कर लेते हैं कि हम डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के साथ फाइट करने में सक्षम नहीं हैं, और इसलिए कुंवर सिंह ने यहाँ से छपमार युद्ध प्रणाली गोरिल्ला वार शुरू करते हैं। और इस गोरिल्ला वार की रणनीति कुंवर सिंह ने बहुत बेहतर तरीके से तैयार की, और इसके माध्यम से इन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष बड़े पैमाने पर बहुत दिनों तक फाइट किया। इसके बाद जब कुंवर सिंह जब नाना साहब के साथ युद्ध लड़कर आते हैं और फिर अतरौलिया के युद्ध में डनवर को पराजित करते हैं, तो उसके बाद जो ब्रिटिश सरकार है लॉर्ड कैनिंग ने जनरल लुगार्ड को कुंवर सिंह के पीछे भेजा, तो कुंवर सिंह ने वहाँ एक बेहतर रणनीति का अनुसरण किया, जिसमें कुंवर सिंह ने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित कर दिया। कुछ सेना को उन्होंने आजमगढ़ रहने छोड़ दिया, ताकि जो अंग्रेजी सेना आ रही है उसके साथ वो फाइट कर सके, और फिर कुंवर सिंह स्वयं को कुछ सेना सैनिकों के साथ लेकर वो बिहार की ओर आरा की ओर चल पड़ते हैं। और ये उनकी एक बहुत बड़ी रणनीति को दिखाती है, और ये संपूर्ण रणनीति का जो कंट्रीब्यूशन कुंवर सिंह का है, जो योगदान कुंवर सिंह का है, जिसमें ये दिखाई देता है कि कुंवर सिंह के प्रभाव स्वरूप उनकी लीडरशिप के कारण बिहार जो है 1857 के विद्रोह का एक प्रभावशाली केंद्र के रूप में बिहार विकसित होता है, जो कि पूरे देश में बिहार को, अगर बिहार में बिहार को आप एनालिसिस करें 1857 के विद्रोह में, तो ये पूरे देश में बिहार एक बहुत ही प्रभावशाली केंद्र के रूप में विकसित होता है, जिसमें कुंवर सिंह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन इसके साथ ही कुंवर सिंह की कुछ सीमाएं भी हैं, इनके लिमिटेशंस है, जो कि अगर आलोचनात्मक आपसे पूछे कि 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, तो फिर आप सीमाओं की भी चर्चा करेंगे। और सीमाओं के अंतर्गत अगर हम बात करें, तो पहला इम्पॉर्टेंट सीमाएं कुंवर सिंह का है कि कुंवर सिंह का विद्रोह भी पुनर्स्थापन विद्रोह, यानी कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में भाग लेते हैं तो अपनी रियासत को प्राप्त कर और अपनी परंपरागत व्यवस्था को स्थापित करने के लिए भाग लेते हैं, क्योंकि कुंवर सिंह में भी भविष्य दृष्टि का अभाव है। कुंवर सिंह ने भी नियोजित विद्रोह नहीं किया था, कुंवर सिंह इस तरह का प्लानिंग नहीं कर पाते हैं कि विद्रोह सक्सेस हो रहा तो उसके बाद हम क्या करें। जैसे कि कुंवर सिंह ने आरा पर अधिकार कर लिया, लेकिन आरा पर अधिकार करने के बाद दूसरी जो कुंवर सिंह की जो कमजोरी थी कि कुंवर सिंह ने आरा पर अधिकार करने के बाद आरा के परिधीय जो क्षेत्र है उस परिधीय क्षेत्र को कुंवर सिंह स्ट्रांग नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें करनी चाहिए थी। जब तक आप परिधीय क्षेत्र को स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक आप अंग्रेजी सत्ता से लड़ नहीं सकते थे, और कुंवर सिंह ने परिधीय क्षेत्र को बिना स्ट्रांग किए हुए, और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कुंवर सिंह को विद्रोह में, बिहार में विद्रोह को बिना संगठित किए, बिना मजबूत किए, कुंवर सिंह बहुत दिनों तक बिहार से बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण एक लीडरशिप गैप होता है, और लीडरशिप गैप होता है तो अंग्रेज़ों को विद्रोह को दबाने में आसानी होती है, वो आराम से विद्रोह को दबा देते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो
कुंवर सिंह में वे सारी कमजोरियां विद्यमान थी जो उस समय के विद्रोहियों में थी। हालांकि कुंवर सिंह उनसे ज़्यादा प्रगतिशील थे क्योंकि इन्होंने समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये कुंवर सिंह की सीमाएं हैं और इन सीमाओं के बाद आप निष्कर्ष पॉजिटिव लिखेंगे कि इस प्रकार बिहार में 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका की कुछ निश्चित सीमाएं हैं, लेकिन इन सीमाओं के बावजूद कुंवर सिंह की जो भूमिका है 1857 के विद्रोह में वह विशिष्ट है, जो कि कुंवर सिंह को 1857 के विद्रोह में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है।